जनपद फिरोजाबाद के दाऊदयाल महिला महाविद्यालय के संगीत विभाग द्वारा देशगान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में संगीत विभाग की लगभग 50 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास को जागरूक करना था, ताकि संगीत की छात्राएं किसी भी मंच पर पहुंचकर अपने संगीत को बिना किसी झिझक के प्रस्तुत कर सकें। वहीं संगीत विभाग की HOD डॉक्टर रूमा चटर्जी ने बताया कि विभाग द्वारा समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है, जिससे बच्चों की प्रतिभा का उदय होता है और मनोबल बढ़ता है। संगीत विभाग की तरफ से एक देशगान प्रतियोगिता रखी गई थी, समूह गान प्रतियोगिता, और बच्चों ने बहुत अच्छे से इसमें प्रतिभाग किया और बहुत सुंदर सुंदर देशभक्ति गीत उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। अब देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम लोग मना ही रहे हैं और हम लोग के लिए बड़ा गर्व की बात है कि उस उत्सव में हम लोग सब शामिल हो पा रहे हैं। और 15 अगस्त बहुत करीब है हमारे, तो इसी के तहत, क्योंकि बच्चों के दिल में भी जज्बा रहना चाहिए देशभक्ति का, और ये कॉलेज एक प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को ऐसे गीतों के माध्यम से या निबंध के माध्यम से। तो आज संगीत विभाग की HOD और रोमा मैम और स्नेहलता मैम दोनों ने आज ये प्रतियोगिता करवाई और बच्चों ने बहुत अच्छे से उसमें प्रतिभाग किया और सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी उन्होंने। आज दाऊदयाल महिला महाविद्यालय में संगीत विभाग से सामूहिक देशगान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कि हमारे 50 बच्चों ने भाग लिया। सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और बहुत ही उत्कृष्ट अपना प्रदर्शन दिया। और ये हम लोग मैंने करवाते रहते हैं प्रोग्राम, जिससे कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस हो। और मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर स्नेहलता मैडम और श्री ऋषि कुमार जी बहुत हेल्प करते हैं। ये देशगान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी दाऊदयाल महाविद्यालय में संगीत विभाग की तरफ से। इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है वो हमारा ये उद्देश्य होता है कि बच्चों को प्रतियोगिताओं के माध्यम से आत्मविश्वास जागृत करना और उनके अंदर जितनी भी हेजिटेशन है, जो झिझक होती है मंच पर जाने की, वो हम अपने संगीत विभाग में ही कोशिश करते हैं कि उनके अंदर से वो सारी झिझक, वो सारा डर निकल के बाहर आए और वो अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके। क्योंकि जब तक उन बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक सहयोग नहीं होगा, जब तक छोटी छोटी प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं होंगी, तब तक वो बड़ा मंच पर कोई भी प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य रहता है, हमारे विभाग का, हमारे तीनों ही सहयोगियों का, हम तीनों ही अपने सहयोग से ये प्रतियोगिताएँ आयोजित कराते रहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और जो जनपद स्तरीय प्रतियोगिता है और जो यूनिवर्सिटी स्तरीय प्रतियोगिता है उनमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें।